जिला सोलन में भू माफिया के विरुद्ध लिए गए निर्णय एवं राज्य में बेनामी सौदों तथा अन्य अवैध तरीकों से भूमि हथियाने के मामलों को रोकने की मुहिम रंग ला रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश काश्तकार एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के अनुसार प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गैर कृषक व्यक्ति को कृषि योग्य भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती, लेकिन भू माफिया ने बिना अनुमति के कृषि भूमि को खरीदा, जिस पर उपायुक्त सोलन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बेनामी संपत्ति को सरकार में निहित कर दिया है। इसी कड़ी में जिला समाहर्ता सोलन राकेश कंवर ने बताया कि 2017 से 2018 तक के मध्य 1100 करोड़ रुपए की लगभग 1900 बीघा भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह वह भूमि है जिसमें निजी कंपनियों ने नियमों को ताक पर रखकर हिमाचल में बेनामी जमीन खरीदी थी, साथ ही साथ अन्य करीब 98 मामलों में भी नियमों का उल्लंघन कर जमीनें खरीदी गई थी, जिस पर आज कड़ी कार्रवाई करते हुए 1900 बीघा भूमि प्रदेश सरकार में निहित करने के लिए जारी किए गए हैं। जिला समाहर्ता द्वारा राज्य बनाम अशोक सेठी मामले में 111.15 बीघा, राज्य बनाम मिसेस ऑप्टिमा कंस्ट्रक्शन मामले में 108.16 बीघा, राज्य बनाम देवीचंद मामले में 195.3 बीघा भूमि प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अन्य विभिन्न मामलों में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भूमि प्रदेश सरकार में निहित कर दी जाएगी। तो ये जमीन जो है ये किसी कंपनी के नाम से पैसा आया था और यहाँ के किसी हिमाचली के नाम पे खरीदी गई थी। तो कुल मिलाकर पिछले लगभग 2 वर्षों में कुल 99 मामलों में सरकार में लगभग 1800 बीघा भूमि वेस्ट करने के ऑर्डर हुए हैं, जिनकी कुल कीमत आज की जो कमर्शियल वैल्यू है उसके हिसाब से 1100 या 1200 करोड़ रुपए बनती होगी।